शरीरों पे भूल जाती है, जो और उनकी हिदायत को भूल जाती है, उजाले देती है बुझते हुए चरागों को, जहाँ जहाँ भी नबी के रसूल जाती है। कुरान और हदीस के दराइज से मजहन खिताबत आप समाप्त कर रहे थे, आपकी गिनती भी नब्ज के हाथ रखा बड़े सलीके से हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहबुद्दीन सफाती साहब ने हक को हक बनाने दोहर कहा। मौला तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ढाल कर जीने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो पावकार तलबा जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में उन पर रूह से तशरीफ लाएंगे और उलमा इकराम के दुरानी हाथों से उनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उस मंजर को देखने के लिए अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें, कुर्सी अपना छोड़ें, वरना बड़ी मुश्किल से आपको वो जगह हाथ आएगी जिसे आप छोड़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों ने सुना है और हजरत की तकरीर को समझा है, बेदार है, तो मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। आगे के लोग नहीं समझे हैं, आप हजरात की एक मतलब हाथों को लहरा के कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। हजरात आइए, वो दो खूबसूरत लहजों को, जिन लहजों को आपने थोड़ी देर पहले सुना और सुन करके मुस्कुरा रहे थे, उन लहजों को सुन लीजिए। तकरीर सुनना भी इबादत है, नाक का सुनना भी इबादत है। हजरत उमर फारूक का नाम आपने सुना है ना, आपकी आदतें करीमा की रातों को भेस बदलकर अक्सर निकल जाते हैं। एक मरतबा आप निकले, आदत के मुताबिक आपको एक घर से कुछ आवाज आती सुनाई थी, दरवाजे पे दस्तक दी, शरीफा ने दरवाजा खोला, कहा अमीरुल मोमिनीन का वो शरीफा के दरवाजे पर क्या काम। उमर फारूक ने कहा शरीफा तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही थी जिसने मेरे कदम रोक लिए, वो कौन सी आवाज थी। बुढ़िया ने कहा कि हुजूर मैं चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी। उमर फारूक ने कहा कि नहीं, सूत काटने यानी चरखा चलाने के अलावा भी कोई आवाज थी जिसने मेरे कदम रोके हैं, वो कौन सी आवाज थी। ज़रीफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन मैं चरखा भी चला रही थी, मदीने वाले की नाक भी गुनगुना रही थी। इतना सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक दो जानू जमीन पर बैठ गए और इरशाद फरमाया ज़रीफ़ा जो मेरे मुस्तफा की नाक तो तन्हाई में गुनगुना रही थी मुझे भी सुना दे। कहा क्यों। कहा इसलिए कि हो सकता है मैदाने कयामत में नाक पढ़ने के सदके में अगर अल्लाह तुझे बख्श दे तो नाक सुनने के सदके में उमर भी बख्शा जाए। आपने अंदाजा किया नाक का जितना पढ़ना इबादत है तो सुनना भी इबादत है। इबादत की नीयत से सुने, आगे बात अगर समझ में आ गई है तो दो खूबसूरत लहजों से फिर मुलाकात करें। मेरी मुराद हजरत पैगरो शादाब साहिबान है कि पसीना उनका जो महका तो ये गुमान खुले, ये समझ में आ रहा हो तो मुस्कुरा के कहिएगा सुभान अल्लाह। मेराज को रजब शरीफ का महीना दिया अभी, मेराज मेराज का महीना, उसको जहन में रखे मेराज मुस्तफा को, शेर मुलाहिजा कर ले कि पसीना उनका जो महका तो ये गुमान खुले, चहार सिंह हो जैसे के इत्रदान खुले और किसी के पास से एक दर कभी नहीं खुलता, किसी के पास से एक दर कभी नहीं खुलता, मेरे नबी के लिए सातों आसमान खुले, मेरे नबी के लिए सातों आसमान खुले। और ये आरजू है कि बाजारे शहरे तैबा में बदस्ते आका मेरी नाक की दुकान खुले। Yeah.